दोस्तों ये है मिर्ज़ापुर का पान दरीवा, ये रहा, और ये है मुकेरी बाजार, और यहाँ है डॉक्टर लोहिया चौक, उसको बुढ़ट्टी चौराहा भी बोलते हैं। फिलहाल अभी ये है मुकेरी बाजार और हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मंडी से होते हुए। यहाँ सब्जी मंडी और किराना मंडी दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज रविवार है, मार्केट लग चुका है, ये देखिए भाई साहब पकड़ लो, हाँ ये सही है। तो दोस्तों मैं आज बेरी सेठ अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। ये देखिए भाई साहब हमके निकलने दे भाई आप लोग, इस साइड भी मंडी लगती है लेकिन आज नहीं लगी है, सुबह बारिश भी हुई है इस वजह से ठंड कम हो गया। ये हरे हरे मटर, मटर काफ़ी सस्ता हो गया भाई। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं मुकेरी बाजार पुलिस चौकी के पास, और ये है सामने खोआ मंडी माशाल्लाह देवी, और ये है टटहाई रोड। और अभी हम एंटर कर गए हैं बाजीराव कटरा में, साइड में है राही इन होटल, कृष्णा पैलेस, जी रहा, और लेफ्ट साइड है बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये है होटल ग्रैंड इन। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये बाजीराव कटरा का नज़ारा इस समय। फिलहाल आज संडे है, देखिए सामने स्प्रिंग होटल भी आ गया, काफ़ी मतलब बढ़िया होटल है ख़ास तौर से मिर्ज़ापुर के हिसाब से। और ये हनुमान जी का मंदिर, जय श्री राम। और ये काफ़ी पुरानी मतलब जैन समाज का है ये, और सामने यादव जैन बल मंदिर, वाह अच्छा वाह। और ये रास्ता भी चला जाता है आपका इमरती रोड वाली सड़क पर, अभी हम आगे की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और ये है प्राचीन कुआं, अब तो ये भाई किसी और ने कब्जा कर रखा है, कुएं से आजकल कोई पानी ही नहीं भरता। और अभी हम ये आ चुके हैं सामने, देखते हैं कटरा थाना मतलब कोतवाली कटरा, ये रहा। ये देखिए ट्रिपलिंग का आनंद लेते हुए, इस रोड को मैंने नहीं दिखाया था तो आज मैं इस रोड को कवर कर रहा हूँ। फिलहाल ये सामने ऊपर जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इस पर मैं कई बार आ चुका हूँ, तो आज मैं इसके ऊपर से ही जाने वाला हूँ लेकिन रूट चेंज करके। यहाँ पे पीछे मच्छी और चिकन मार्केट है ये पूरा, और यहाँ से भी हम लेते हैं राइट टर्न। और ये है संगवाल का फ्लाईओवर जो कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना हुआ है, पहले क्रॉसिंग हुआ करता था बंद कर दिया गया हमेशा के लिए, और ये ऊपर से बना दिया गया रेलवे लाइन। अरे यार गजानन महाराज गणपति, ये देखिए दर्शन हो गए, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दे दे पकड़ लेगा, अरे कितना बढ़िया ना, मस्त लग रहा। जय हो गणपति महाराज की। दे 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 दे।
फिलहाल ये आपको पता ही होगा साइड में FCI गोदाम है और बगल में विंध्याचल आयुक्त मंडल कार्यालय, और ये पॉलिटेक्निक का एक नंबर गेट है, ये देखिए गेट खुला हुआ है यहाँ से। और फिलहाल हम लोग अंदर ही चले गए थे, तो फिर बाहर निकलने को सोच रहे थे, तो सोचा कि भाई साहब गेट बंद हो, तो पीछे से ही निकल गए, लेकिन नहीं, गेट आज खुला हुआ है क्योंकि अंदर काम लगा हुआ है, नया बिल्डिंगें बन रही है इसलिए। और ये देखिए अच्छा खासा मार्केट इधर हो गया है। अभी पहुंच चुके पॉलिटेक्निक 2 नंबर गेट पे, ये बंद है पॉलिटेक्निक का 3 नंबर गेट। अभी अब हम पहुंच चुके हैं गांधी घाट। अभी जैसा कि यहाँ दिख रहा है सड़क लगभग ये काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी है यहाँ पे, ये बाबा किनारा आश्रम भी है गांधी घाट पे। लेकिन जैसे ही आप ये नकहरा रोड जाता है, इसका भी ब्लॉग आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, इससे आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए चौड़ाई कितनी कम हो जाती है केवल इस पुलिया की वजह से। क्षतिग्रस्त पुलिया है बस, राम भरोसे जब तक चल रही है, इसको भी अब चौड़ा कर देना चाहिए यार। और ये रास्ता चला जाता है लोंदी महावीर मंदिर के सामने, ये पोखरा भी है यहीं पे, काफ़ी प्राचीन पोखरा है लोंदी कला। यहाँ का भी मार्केट जो है काफ़ी डेवलप हो गया है जब से ये सड़क थोड़ा सा चौड़ा हुआ है और बाईपास बन गया है। तो यहाँ गिनी चुनी सिर्फ दुकानें हुआ करती थी, आज यहाँ पे दुकानों की संख्या ही बढ़ गई है, लोगों का आवागमन भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो रोज़गार भी बढ़ गया इसी वजह से। भाई यहाँ पे साइकिल से आता था कभी मैं मार्केट करने के लिए, थक जाता था, बट अब सही है। नहीं तो भाई एकदम शहर का आउटर माना जाता था। और ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय और आवास है, DFC कॉरिडोर ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो रेलवे ट्रैक ये नया बन रहा है मालगाड़ी के लिए, और ये रास्ता सीधे आप कन्याकुमारी तक जा सकते हैं क्योंकि ये नेशनल हाईवे 135 और 35 है। देख रहे हैं इतनी चौड़ी होनी है अभी सड़क को, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है अंडरपास के नीचे से। सिटी ऑटो फिल भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप, और उसके ठीक सामने है आर्यावर्त बैंक ग्राहक सेवा केंद्र मित्र सेवा। और यहाँ से हम बता दें रीवा 155 किलोमीटर और मनगवा 125 किलोमीटर। तो आ चुके हैं भोड़सर गांव के एरिया में, इधर से मुड़ेंगे वो, और देखते हैं अभी कहाँ जाना है क्योंकि यहाँ पे सामने ही आ चुका है भैया ये मिर्ज़ापुर का बाईपास, क्योंकि यहाँ से हमें तो दिखाई दे रहा है ये रास्ता, यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाता है डगमगपुर लालगंज और रीवा के लिए। झंडा लग गया है, ठंडी खत्म हो गई। हाँ यार अंदर 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 पसीना हो गया हल्का हल्का, लेकिन वो जगह बड़ा लाइट था, बड़ा अच्छा लगा वहाँ से वो ना। हाँ वहाँ बढ़िया, Thank you.